हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज कंप्यूटर की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम सीपीयू से। सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके इससे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। यानी जब हम सीपीयू को इनपुट देते हैं तो यह डाटा प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट के रूप में सूचना या इन्फॉर्मेशन की जानकारी दे देता है। सीपीयू को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नंबर एक, इसका नंबर फर्स्ट भाग है। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। सेकंड है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू। थर्ड रजिस्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का एएलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। यह कंट्रोल यूनिट का काम होता है। सेकंड है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक लॉजिक क्रियाएं करता है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। रजिस्टर, यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। वर्तमान में काम आने वाला सीपीयू i3, i4, i5 और i7 है। कंप्यूटर, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट यानी प्रिंट द्वारा प्रिंट होती है, यह स्थाई होती है। हार्ड कॉपी आउटपुट यह स्थाई होती है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अस्थाई होती है। आउटपुट डिवाइस में नंबर फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहा जाता है। या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं और इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। इस क्लास का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं पिक्सल को। कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द जिसे रिजोल्यूशन कहते हैं। टाइप ऑफ मॉनिटर CRT कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर। इसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। CRT मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब होते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। नंबर सेकंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दो कांच की परतों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिसे पिक्चर निर्माण होता है। जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मोबाइल की स्क्रीन आदि। इसमें एक समय में ही एक व्यक्ति का करता था। LED लिक्विड एमिटिंग डायोड। इसमें प्रकाश उत्सर्जन किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त तो होती है LED। LED मॉनिटर सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्रयुक्त होने वाली मॉनिटर है। TFT LED थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED। नंबर सेकंड है प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारा एक
आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर एक इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर दो नन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज़ को स्पर्श करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज़ को स्पर्श करता है यानी टाइप राइटिंग मशीन। इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज को स्पर्श करता है यानी टाइप राइटिंग मशीन। सेकंड नन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके द्वारा कागज को स्पर्श नहीं किया जाता है। धन्यवाद।